दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर अपना पुराना मोबाइल को कैसे सेल कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई पुराना फोन है जो कि आप सेल करना चाहते हैं जेन्युइन प्राइस पर, तो फ्लिपकार्ट पर आप अपना फोन को सेल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा पा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक पुराने फोन को सेल करके उसका कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करके आप भी अपने पुराने फोन को फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हैं। उसके लिए ये वीडियो को आपको पूरा देखते रहना है। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्लिपकार्ट पर अपना पुराना फोन को सेल करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपका फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो अभी जो फ्लिपकार्ट का जो फीचर्स है यानी कि फोन सेल करने का, वो आपको ये डैशबोर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जो बिलिंग बिलियन डे सेल का जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर ये जो फोन सेल का ऑप्शन है आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन का नाम आपको बता देता हूँ कि नाम क्या है। तो थोड़ा आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन कैश। तो अगर ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल शॉपिंग खत्म मतलब सेल खत्म हो जाता है उसके बाद आपको ये ऑप्शन जहां पर भी दिखे वहां से ही आप फोन को सेल कर सकता है फोन कैश। तो देख सकते हैं कि फोन कैश इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इधर आपको बता रहे कि फोन कैश बाय फ्लिपकार्ट यानी कि ये फ्लिपकार्ट का ही एक फीचर से फ्लिपकार्ट ही ये फोन खरीदता है। सेल योर ओल्ड फोन फ्रॉम योर डोर स्टेप इन 60 सेकेंड्स, यानी कि हमारा जो पुराना फोन है हम घर से ही जो है बेच सकते हैं सिर्फ एक मिनट के अंदर। उसके बाद है गेट अप टू 30,000, यानी कि इसका जो लिमिट है जितना भी आपका जो भी प्रोडक्ट हो जो भी मोबाइल जो भी है उसका लास्ट जो है 30,000 तक ही मिल सकते हैं अच्छे से अच्छे कंडीशन में अगर होगा तो। उसके बाद आपको इधर कुछ ऑप्शन और देखने को मिल रहा है। क्विक पेमेंट अप टू 27,000, तो यानी कि पेमेंट जो है तुरंत मिल जाता है। साथ साथ आपको जो है डोर स्टेप पिकअप ओनली 1 रुपये, यानी कि आपके घर से जो है वो लेके जाएगा फोन को, वो भी सिर्फ 1 रुपये आपको उसके लिए देना पड़ेगा। और सेफ एंड सिक्योर ऑल डाटा इज इजिस्ट, यानी कि आपका जो भी डाटा होगा फोन का या फिर जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे उसका डाटा डिलीट करके ही जो लिया जाएगा। साथ साथ आप देख सकते कि कौन कौन सा ब्रांड्स का जो ये ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है ब्रांड वो खरीदते हैं बड़े बड़े जो ब्रांड है एप्पल रियलमी पोको, ये ब्रांड भी जो है लेता है। उसके बाद आपको इसका जो प्रोसेस है सबसे पहले आपको समझा देता है। सबसे पहले क्या है, सर्च फॉर फोन कैश, सर्च फॉर फोन कैश ऑन फ्लिपकार्ट, यानी कि आपके फोन में फ्लिपकार्ट में जो है फोन कैश लिख के सर्च करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फोन कैश लिख के सर्च करने से भी ये ऑप्शन आपको आ जाएगा। उसके बाद आता है प्रोवाइड फोन डिटेल्स, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर फोन एंड प्लेस ए रिक्वेस्ट टू सेल, यानी कि आपके फोन का जो डिटेल्स है उसको सर्च करना है, उसका डिटेल्स आपको देना है जो कि मैं आगे प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद है 3 एक्सेस एंड पिकअप, एसेस एंड पिकअप एंड एजुकेटिव विल एसेस योर फोन एंड पिकअप विल बी असाइंड, यानी कि आपको एसेट पिकअप करना है, पिकअप के लिए रिक्वेस्ट करना है, और जैसे आप पिकअप रिक्वेस्ट कर देंगे योर फोन पिकअप करने के लिए जो है आ जाएगा। उसके बाद है गेट पेड इंस्टेंटली आफ्टर पिकअप, मनी विल बी क्रेडिटेड टू योर प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आपका जो पैसा है जैसे आप फोन पिकअप करवा देते हैं तो जो पैसे है आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। गिफ्ट वाउचर में भी ले सकते हैं और आप कोई भी और पेमेंट मेथड से भी आपको जो है पैसा ले सकता है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा फोन को सेल करना है, उसका क्या प्रोसेस है। उसके लिए आपको सेल नाउ के जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके पहले आपको कुछ डिटेल्स और आपको जानकारी मैं दे देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा आपको नीचे जाना है।
नीचे जाने के बाद आपको इधर सबसे पहला ऑप्शन क्या करना है, डू ए डाटा बैकअप एंड क्लियर योर फोन, यानी कि आपके फोन में जो भी डाटा है उसको किसी और फोन में या फिर कोई मेमोरी में उसका बैकअप ले लीजिए, या फिर जीमेल अकाउंट पे उसका बैकअप ले लीजिएगा। तो फोन का बैकअप कैसे ले सकते हैं इसका भी वीडियो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है इंश्योर द फोन स्विच ऑन, यानी कि फोन का जो कंडीशन है स्विच ऑन करना है। उसके बाद मेक श्योर द आई एम नंबर मैचेस द फोन यू आर सेलिंग, यानी कि जो भी फोन आप बेच रहे हैं उसका आई एम नंबर जो भी आपने मेंशन किया है वो फोन एम आई नंबर दोनों सेम होना चाहिए आपके फोन के साथ। साथ साथ द ब्रांड मॉडल ऑफ द फोन शुड बी द सेम एज मेंशन ऑन द फॉर्म, यानी कि जो भी फोन आपने सिलेक्ट कर रहा है सेल करते समय सिलेक्ट किया है वही ब्रांड का फोन होना चाहिए, तभी आपका जो है ये जो प्रोसेस है वो सक्सेस होगा। यानी कि क्विक चेक आपके फोन का ये सारे डिटेल्स को आप चेक कर लीजिएगा एक बार फोन को सेल करने से पहले। तो चलिए हम सेल नाउ के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते कि इसके पहले मैंने मेरा जो आईफोन है वो एक बार चेक किया था, वो डिटेल्स ऑलरेडी इधर मेंशन अपडेट है। तो फिलहाल हम कोई और फोन को सेल कर रहे हैं तो नो चेंज फोन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा ब्रांड है हमारा जो मोबाइल है वो हम सर्च करेंगे, जैसे हमारा जो फोन है वो इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है तो हम इन्फिनिक्स इधर से एक बार चेक करते हैं। देख सकते कि इन्फिनिक्स इसके अंदर आपको क्लिक करना है तो जो भी प्रोडक्ट है आप जो भी ब्रांड का मोबाइल है इधर से सिलेक्ट कर लीजिएगा एक बार। तो हमारा जो इन्फिनिक्स है इन्फिनिक्स के एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा हॉट 10 प्ले है तो ये ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फोन का आई एम नंबर है वो नंबर को इधर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपको आई एम नंबर पता नहीं है तो स्टार है 06 है पर कॉल करके भी आई एम नंबर को पता कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो आई एम नंबर है हम डाल देते हैं। तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि इधर हमारा 1700 रुपये हमारे फोन का जो है वैल्यू दिखा रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आगे और भी कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलेगा। तो हम इसको डाल देते हैं। तो हमारा जो आई एम नंबर है आई एम नंबर को आपको सही से एक बार डाल देना है। तो ठीक से जो नंबर है आई एम नंबर को डाल दीजिए। उसके बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं इधर बता रहे कि आई एम विल बी चेक ड्यूरिंग पिकअप, यानी कि आई एम नंबर आपको सही डालना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैच नहीं करता है तो उसी टाइम जो पिकअप करना आएगा आई एम नंबर दोनों चेक कर लेगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोन का डिटेल्स है इधर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 1700 रुपये हमारा फोन का पहले हो रहा है और इसके बदले में हमको जो है गिफ्ट कार्ड मिलेगा 1700 रुपये का। उसके बाद आपको इधर देख सकते कि मस्ट पीपल गेट 1300 रुपया, उसके बाद एक्सीलेंट कंडीशन में होगा तो 1700 रुपया मिलेगा और पुअर कंडीशन में रहेगा तो 600 रुपया हमारा फोन का वैल्यू होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं 1300 रुपये उनके प्रोडक्ट के ऊपर मिले हैं और अगर एग्जैक्ट एक्सीलेंट कंडीशन में रहेगा तो 1700 रुपये उसको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते कि पिकअप अवेलेबल मंडे 2 अक्टूबर, उसके लिए आपको 1 रुपये पेमेंट करना है। उसके बाद पिकअप चार्जेस विल बी रिफंडेड इफ द ऑर्डर हैज बीन कैंसिल और रिजेक्टेड, आप अगर पिकअप को कैंसिल करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं तो आपका जो 1 रुपये है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ किस तरह से काम करता है आप इधर से एक बार चेक कर सकते हैं कि योर फोन फिजिकल एंड फंक्शनल कंडीशन विल बी चेक्ड एंड डोर स्टेप बाय आवर डिलीवरी एजेंट बेस्ड ऑन द चेक्स, डिलीवरी एजेंट विल ऑफर यू टू द फाइनल प्राइस। तो आप नो अबाउट चेक्स के डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके फोन को चेक किया जाएगा। अगर आपका फोन एक्सेलेंट कंडीशन में रहेगा तो किस तरह से आपको कोई भी जो प्राइस है कोई भी कम नहीं करेगा, जो प्राइस दिखा है वही प्राइस आपको मिलेगा। और जैसे जैसे आपका फोन में कुछ डैमेज या फिर कुछ क्रैक देखने को मिलेगा तो आपका प्राइस जो है माइनस होते जाएगा। देख सकते हैं कि अलग अलग का फिजिकल डैमेज के ऊपर अलग अलग जो परसेंटेज है
ज़्यादा कट लिया जाएगा फ़ोन के प्राइस से। इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं। उसके बाद आपको इधर बताया जा रहा है कि आपका जो फ़ोन का कंडीशन है किस तरह से रखना है, जैसे 50% से ज़्यादा आपका पहुँचना उसको चार्जेस करके रखना है। साथ साथ जैसे चेकिंग करने के लिए आपके पास कोई पिकअप आएगा तो उनको आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा जाएगा और इसके अंदर आपको 20 से 30 मिनट के अंदर आपके फ़ोन को जो है चेक किया जाएगा। ये वेबसाइट देख सकते हैं कि www.antra.com.kd ये जो लिंक है इसके ऊपर आपको एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करके आपके फ़ोन को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको कन्फर्म एंड सेल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नया इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो एड्रेस है इधर से आप इसको चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आपको 1700 रुपये का जो वाउचर आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 1 रुपये पे करना है। नीचे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है 1 रुपये आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप जो है ऑनलाइन यूपीआई जो भी है आपके पेमेंट मेथड से उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर कोई भी और कार्ड से भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम जो है हमारा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से 1 रुपये पेमेंट कर देते हैं। सॉरी, हमारा जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू हम 1 रुपये पेमेंट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो बैंकिंग पार्टनर पेज है उसमें हमें भेज दिया गया है और हमारे पास एक OTP आएगा। OTP को आपको बॉक्स के अंदर डाल देना है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो आपके पास अगर नेट बैंकिंग या फिर कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो आप सिंपली गूगल पे UPI के थ्रू भी जो है 1 रुपये पेमेंट कर सकते हैं और आपका जो ऑर्डर है पिकअप के लिए प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है प्लेस हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ट्रैक एंड मैनेज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आपका जो स्टेटस है वो आप इधर से चेक कर सकते हैं कि कब आपका जो ये है वो कब आपको पिकअप के लिए आएगा, कब पैसा आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि डिलीवरी एक्सेप्टेड 2 तारीख है, तो 2 तारीख के अंदर हमारे पास जो एड्रेस है इसके अंदर हमारे पास कोई पिकअप करने आएगा हमारा फ़ोन को और उसके बाद हमारा जो फ़ोन है पिकअप करके चेक करके लिया जाएगा और हमें जो पैसा है वो हमें 1000 रुपया मिल जाएगा। तो ये था फ्लिपकार्ट पर पुराने फ़ोन को सेल करने का कम्प्लीट प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूँ हमारा जो पर्सनल जो मेरा ये है कि आप अगर फ्लिपकार्ट पर फोन को सेल करते हैं तो इधर आपको पैसा जो है बहुत कम मिलने वाला है। आप अगर दूसरे किसी को पर्सन टू पर्सन किसी को बेचेंगे तो वहाँ शायद आपको ज़्यादा पैसे देखने को मिल सकता है, लेकिन इधर एक फैसिलिटी आपको ये है कि इधर आपको कोई भी झंझट पड़ने का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी बाद में आपको बोलने दिया है कि भाई हमारा फ़ोन ख़राब दिया हमें ऐसा है ऐसा है, तो इधर आपको थोड़ा पैसा कम मिल रहा है लेकिन आपको कोई भी झंझट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहते हैं, आप अगर कोई झंझट नहीं पलना चाहते, आपका फ़ोन ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको लगता है कि बाद में आपको शायद कोई परेशान कर सकता है कि बाद में फ़ोन को बेचने के बाद, तो आप इस सिचुएशन में आपका ये फ़ोन को जो है फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकता है और थोड़ा पैसा कम आपको मिलेगा दूसरे की तुलना में। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पर अपने पुराने फोन को सेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस वीडियो से जुड़े हैं अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।